र आज यो जुन कार्यक्रम राख्नुभयो युके टिमलाई एकदम सम्पूर्ण टिमलाई एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सबै व्यवस्था मिलाउनलाई चाहिँ नि मिलाइदिएकोमा हाम्रो राजु भाइलाई पनि धेरै धेरै माया र माथि बस्नुहुने सम्पूर्णलाई नमस्कार र तल बसेर पनि साथ सपोर्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र आज चौधौँ महिनाको एनिभर्सरी मनाउन पाउँदा बहुत खुसी लागेछ। एकदम यसको हृदयदेखि नै शुभकामना र ह्याप्पी बर्थडे चुचु। यसरी नै मनाउँदै जान म महिनै पछि धेरै नै खुसी लाग्छ। अझ आज हाम्रो सुरेश भाइसँगै बसेर बोल्न पाइयो अति नै खुसी र के भन्न चाहन्छु भने अलिकति सुझाव जस्तो पनि हामी भनेको अहिले जति पनि छौँ एकदम फिल्टर भएर क्या एकदम प्युर छौँ हामी थोरै होला तर हामी प्युर छौँ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला लम्किनुहोला कोही खुट्टा तान्ने भयो भने लाताले हान्ने तल झारिदिइहाल्ने हो तर फर्केर तपाईँको गन्तव्य लामो छ कतै फर्केर अल्म लिने काम नगर्नुहोला। हामी ज्यान दिन पनि तयार छौँ हामी एकदम साथ सपोर्ट गर्न तयार छौँ हामी जति रहेका छौँ एकदम प्योर छौँ। बाहिर भुक्ने भुक्तै गर्छन् उनीहरू कन्टेन्ट पाएको छैन कन्टेन्ट एउटा एउटा निकाल्छन् भुक्छन् स्वार्थ लिएर आउने जति निस्केर गइसके अरू बाँकी छन् भने जाँदै पनि गर्छन् तर तपाईँहरूले टेन्सन मान्नु पर्दैन हामी जति छौँ प्योर छौँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी खम्बा बनेर हामी साथ दिनेछौँ भन्न चाहन्छु र फेरि पनि सम्पूर्णलाई चाहिँ नै नमस्कार गर्दै मेरो दुईवटा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय अलरेस। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सानो दिदी। अब हजुर बोल्नुहोस्। आफ्नै लाइफमा कट गर्छु कि जस्तो लाग्यो कि मलाई खै अनलाइनमा छैन त्यो पनि नेटको इस्यु होला त्यही भएर। ल ल बोल्नुहोस् न। ल म बोल्छु है। हुन्छ दिदी। अङ्कल नमस्कार सबैलाई। अनि त्यसपछि यो के भन्छ कार्यक्रम एरेन्ज गरिदिनु हुने युके टिमलाई पनि धन्यवाद। अनि राजु भाइलाई नि थ्याङ्क धन्यवाद होइन। अनि त्यसपछि 14 month एनिभर्सरी अनि ह्याप्पी बर्थडे चुचु। अनि त्यसपछि यहाँ हुने सबै अल्डर्स फ्यामिलीलाई नमस्कार। लस्यो फ्याकला सबैलाई। अनि त्यसपछि अनि सुरेश भाइलाई भोलिको यात्राको लागि शुभयात्रा। अनि त्यसपछि दसैँ कार्यक्रम चाहिँ राम्रोसँग सफलता मिलोस् होइन। रमाइलो गरेर आउनु दसैँ भ्रमण शुभ रहोस्। अनि त्यसपछि अरू के भन्ने हो अरू त आउँदैन भन्नु नि धेरै। थ्याङ्क यू सो मच। दिदीलाई तल कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ कि के को कपीमा लेख्छौ यहाँ निन्द्रा गुड नाइट। धेरै टाइम भएछ 1:30 भइसक्यो। गुड नाइट गरौँ। अब कम कम बोलौँ होइन। म पनि अब सबैलाई हुन्छ। मिना नानी धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई।
ओके सबलाई तलाई ओके नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सानो सानो आर यु नेपाली और कुनै अरु विदेशी हुनुहुन्छ हाम्रो त नेपाली नै होला नि नेपाली हो हजुर नमस्ते नमस्कार म नेपाली हो भाइ नमस्ते र सम्पूर्ण आफ्नो अल्ड्रेस फ्यामिली सबैले नमस्ते भन्न चाहन्छु धेरै खुसी लाग्यो आज हाम्रो भाइले 14 महिनाको 14 महिना भनौँ होइन त्यसको इभेन्ट गर्नुभयो सुचु बर्थडे त्यो धेरै खुसी लाग्यो तर हुन्छ केही दिन कहिले कस्तो त्योपट्टि नलैजाउँ आजको एकदम राम्रो खुसीको दिन त्यो खुसीपट्टि लैजाउँ अरू के भनौँ भन्न त मलाई त्यति हो त आउँदिनँ भए पनि अलिअलि कोसिस गर्दैछु भाइले चिन्नु भएको छैन होला हामी काठमाडौँमा भेटेको थियो होइन सुरेश भाइ थाहा होला त्यो पछि नै भनौँला अनि भोलि भाइको सेफ फ्लाइट राम्ररी कन्सर्टमा जानुहोस् आफूले गर्नु सक्ने बेस्ट दिनुहोस् जे जस्तो भए पनि कहिले पनि यस्तो ऊ नहोस् कि मनमा हो जे दुःख सुख जे जस्तो भए पनि आफ्नो कन्सर्टमा चाहिँ दिमाग लगाऊँ यस्तो उस्तो केही नगरौँ आफ्नो फेमिलीलाई पहिलादेखि नै सम्हाल्दै सम्हाल्दै ल्याउनु भएको छ यहाँसम्म अझै सम्हाल्दै पछिसम्म लानुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु अरू केही छैन म यति नै भन्न चाहन्छु म सानो शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु है हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दिदी थ्याङ्क यू भाइ एकपल्ट म सोधौँ है तपाईँलाई मलाई चिन्नु भएको छ सुरेश भाइलाई सानो चिन्नु भएको छैन होला नि हामी काठमाडौँ भेटेको थियो अनि सीता दिदी मिना दिदी हामीहरू त्यो सिन्धुपाल्चोक जाँदाखेरि त्यो त एक्चुली त्यो हाम्रो होटेलमा नास्ता गर्ने बेलामा कि होटेलमा नास्ता गरेको थिएँ नि हेलो हेलो राज ब्रदर साजादी म कुवेतबाट नि हजुर जाने भाइ बच्चाहरूको आवाज धेरै आइरहेको छ म जान्छु है सबै फेमिलीहरूले बाई बाई गुड नाइट हुन्छ बोलिसक्नुको हुनुहुन्छ भने तल झरिदिनु होला है किनकि अरू अब सानो बोलौँ मिठो बोलौँ होइन हाम्रो शाहजादीलाई बोलाउनु त माथि गेस्टमा अङ्कल आउनुभएछ सलाम अलैकुम खै खै त हामी देख्दैनौँ त नेटको इस्युले होला हेलो हेलो शाहजादी हेलो 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 शाहजादी हेलो 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 साजादी ए सुरेश बाबु पनि झऱ्यो त डबल साउन्ड आएको त साउन्ड डबल आयो हेलो हजुर खोइ सुरेश बाबु पनि झऱ्यो त म त देख्दिनँ त फेरि कसैलाई पनि ए म झर् म झर्नुपर्छ होला त्यहाँबाट मात्र सुरेश हाम्रो शारजाबाट हुनुहुन्छ हाम्रो पाकिस्तानबाट शारजा सिज एकदम सपोर्ट हुनुहुन्छ पाकिस्तानबाट पाकिस्तान चाहिँ
पहले मैं आप लोगों को देखती थी, ठीक है, पर मैं ना मतलब टैप टैप करती थी दोनों को, मैं कमेंट्स वगैरह नहीं करती थी, मैं ज़्यादातर एरिया के ही ब्रॉड पर होती हूँ। सो मैं यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे चूचू भाई। आप लोगों को बस मैं यही छोटी सी बात कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग दोनों लाइव आएँ, और हम लोग आप लोगों को दोनों को साथ देखना चाहते हैं। आप लोग ना डरें किसी से, कुछ भी नहीं है, हमें पता है आप स्ट्रांग हैं आप दोनों। हम लोगों को आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे नाम कहना डिप्रेशन से लोग निकलते हैं आपकी वजह से। सो प्लीज़ आप लाइव आएँ। यदि मोई मोड कोई हुनुहुन्छ भने शंकर दा सुरेश दालाई तान्दिन्न माथि के भयो मेरो त तान्न खोजिरहेको छु म हिँड्छु त म हिँड गरिरहेको कोसिस भाइ आप दोनों लाइव आए और नहीं नहीं कोशिश नहीं अब आप दोनों लाइव आए। बहुत से लोग हैं जो जिनको आपका गाना अच्छा लगता है, एलिया की मस्ती मजाक अच्छी लगती है, सो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो प्लीज़ दोनों आप लोग लाइव आएँ, और किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब आप लोगों के साथ हैं तो आप लोग क्यों डरते हैं। सो अगर नेपाल से अगर कोई मसला है तो भाई आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, अगर पाकिस्तान से इशू है तो एलिया भी लीगल एक्शन ले सकती है। सो इन दो टके के लोगों के लिए प्लीज़ आप लोग ना एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप दोनों लाइव आएँ, हम लोगों को वो बॉन्डिंग देखनी है, वो गाने सुनने हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाए कंट्रोवर्सी वो। सो प्लीज़ आप दोनों, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोनों लाइव आएँ। थैंक यू। जी जी ज़रूर 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 इंशाल्लाह आएंगे। और भाई एक और बात बोलूंगी कि प्लीज़ आप नेपाली बोलते ना तो हम लोगों के लिए हिंदी भी बोला करें, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना हमें नेपाली सर से गुजर जाती है। एलिया की तो मुझे थोड़ी बहुत नेपाली समझ आ जाती है, पर आप लोग आपकी तो बिल्कुल नहीं समझ आती नेपाली। सो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत हमें हिंदी में भी बात किया करें हम लोगों को, ताकि समझ आए जो पाकिस्तान से देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं से भी। थैंक यू सो मच। जी 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 ज़रूर ज़रूर, अब हिंदी में आधा आधा करेंगे, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही नेपाली बोलता हूँ मैं रोड पे जब अकेला होता हूँ तो। और फिर मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। आप पाकिस्तान से हो, लड़की हो, फिर भी आप इतना सपोर्ट कर रही हो वो बहुत बड़ी बात है। और हम कुछ बोल के फिर हम इधर इन करके उधर चले जाएंगे ना, है ना। बहनी उता हेर्ने